पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पकड़ लिया है और उसे मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि गोगी को लूटपाट, हत्या, छेड़छाड़ जैसे मामले में उस पर केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी मामलों में दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में मकोका के सेक्शन 3 के तहत गोगी पर मामला दर्ज किया है और मामले की जांच एसपी बवाना को सौंपी गई है। वहीं जब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गोगी से पूछताछ की तो उसने सारा सच बता दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गोगी ने अपराध की दुनिया में कदम अपने पिता के निधन के बाद रखा था और गोगी ने स्कूल की पढ़ाई करने के बाद प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। वहीं जब गोगी के पिता का निधन हो गया था तो उसने बाद में अपनी एक गैंग बना ली और गैंग बनाने के बाद उसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।